लेकिन कि वार के मौके पे आखिर क्यों लगी है विकी जैन को फटकार? करण जौहर ने क्यों सुनाया विकी को, कहा कि आप कहाँ थे जब अंकिता के साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा था? जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकी की मम्मी ने किस तरीके से अंकिता को डांट लगाई, किस तरीके से अंकिता को सुनाया, उन सभी चीज़ों के बाद अंकिता काफ़ी ज़्यादा उदास भी दिखी थी। लेकिन इन सभी चीज़ों को काफ़ी लाइटली लेते हुए नज़र में आए थे विकी जैन, जिसके बाद अब करण जौहर लगाने वाले हैं इनकी फटकार। क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे आपको हमारी चैनल टेली न्यूज पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 17 के घर में इस हफ्ते वीकेंड के वार पे सलमान खान नहीं बल्कि करण जौहर एज अ होस्ट आए। उन्होंने काफी सारे मुद्दे उठाए और उन्हीं में से एक मुद्दा था विकी जैन और अंकिता लोखंडे का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस हफ्ते हुआ है फैमिली वीक और फैमिली वीक में काफी सारे ड्रामा देखने को मिले हैं। वहीं पर जब विकी की मम्मी आई थी और अंकिता के साथ आर्चिव रूम में गई थी तो उन्होंने एक बात बताई थी, अंकिता को डांट लगाई थी कि किस तरीके से तुम विकी को चप्पल मारती हो। इस बात पे विकी के पापा काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और उन्होंने तुरंत तुम्हारी मम्मा को कॉल लगा दिया था और ये पूछा कि क्या आप भी अपने पति को ऐसे ही मारती थी, जिस बात पे अंकिता काफ़ी ज़्यादा उदास भी हुई थी। और इसी बात को लेकर करण जौहर ने फटकार लगाई और ये कहा कि तुम कहाँ थे, मैं नहीं कह रहा कि तुम अपनी मम्मी के खिलाफ बोलो या फिर अंकिता के लिए अपनी मम्मी के खिलाफ हो जाओ, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता था अंकिता से पूछना कि क्या हुआ, क्या था पूरा मामला, ये जानना तुम्हारा फर्ज था। जिसके बाद अब विकी अंकिता से पूछते हुए नजर आए हैं कि आखिर में मामला क्या है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से मेरी और मेरी फैमिली की एक बैड इमेज बाहर जा रही है। जिसके बाद अंकिता पूरा मामला बताती हैं विकी जैन को और इस पे विकी का ये कहना है कि अंकिता तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पाती हो, जिसके बाद उसका एक अलग रिएक्शन लेकर तुम आती हो और वो सब चीज़ों की वजह से मेरी इमेज बहुत गलत जा रही है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस मैटर पे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।